तो मैं सबसे पहले सिक्किम और गैंगटोक का टूर भागलपुर से पूर्णिया जाऊंगा। तो हमारा जो सिक्किम का जो टूर होने वाला है गैंगटोक के लिए पार्ट 3rd तक आएगा, तो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे पटना से भागलपुर आना पड़ा। भागलपुर से फिर हम लोग बाइक कार पूरे फैमिली के साथ यहाँ से हम निकलेंगे पूर्णिया। पूर्णिया में कुछ देर हम स्टे करेंगे। स्टे करने के बाद कुछ देर बाद वहाँ से हमारा प्रोलॉन्ग जर्नी शुरू होगा। आपको बताऊँगा पर पर्सन कितना खर्च बैठ जाता है अगर आप बाइक कार जा रहे हैं या बाइक ट्रेन जा रहे हैं। बहुत लंबा टूर होने वाला है ये, इसीलिए थोड़ा हमने च्युइंगम वगैरह भी रख लिया है। पर से कहाँ पे टोल आ रहा है, ये वीर कुंवर सिंह चौक के पास हम लोग वही पहुँचे हैं। कहाँ जाना है ये भी भूल जा रहा हूँ। ये छोटू चाय वाला बहुत फेमस है, एक घंटा लगा इनको ढूंढने में। सब लोग कौन जगह में अभी है? डोमर। डोमर पहुंच चुके हैं अभी हम लोग। बहुत फेमस है यहाँ का चाय। पोपट हो गया तेरा। हम लोग पूर्णिया पहुंच चुके हैं और इतने खूबसूरत ने ये फुल मून। पाँच बज रहे अभी, आज शाम तक हम लोग गैंगटोक तो पहुंच ही जाएंगे। ओ भाई साहब क्या ये नज़ारा है भाई। हमने बिहार से बंगाल टच कर गया। अब बंगाल से ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है, टी गार्डन, क्या अद्भुत है भाई। चल फंसे है ना, खूबसूरत। ये चाय पत्ती है, इसी को सुखा कर टी बनता है। दैट्स अभी हम लोग सिक्किम पहुंचे भी नहीं है, दार्जिलिंग में नहीं पहुंचे, फिर भी यहाँ से ही शुरू हो गया, पूरा दूर तक है भाई। बहुत ही खूबसूरत है यार, मैंने तो फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहा हूँ, मज़ा आ गया। सिलीगुड़ी पहुंचते ही कार में थोड़ा आवाज़ करने लगा। एक तो जल्दी यहाँ मिल नहीं रहा था मैकेनिक, तब जाके यहाँ पर मैकेनिक मिला है। तो अब यहाँ पर एक घंटा से ज़्यादा लग जाएगा मैकेनिक को दिखाने में क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर से हमारा लंच हो गया पूरी तरीके से। तो अब अभी भी 2 घंटा है गैंगटोक पहुँचने में यहाँ से। यहाँ पर से हम सफ़र शुरू करेंगे और 2 घंटा बाद हम गैंगटोक पहुँचेंगे। तो देखते हैं, अभी 12:30 बज रहा है, तो मे भी 4 बजे तक गैंगटोक तो पहुँच ही जाना चाहिए। पीछे का नज़ारा तो बहुत खूबसूरत है ना। चलो चलते हैं। फाइनली हम लोग गैंगटोक पहुंच गए। मिलते हैं अब कल।